नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी के साथ यहाँ मौजूद हूँ। सुशील त्रिवेदी के लिखे हुए लेख, उनके लिखे हुए संस्मरण आप लगातार देश के एक सबसे बड़े अखबार में पढ़ रहे हैं, जो पूरे देश में पढ़े जा रहे हैं, और छत्तीसगढ़ चुनाव का इतिहास, छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास उनकी यादों के सहारे लोग जान रहे हैं, उनके बारे में सीख रहे हैं। वे छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये उनका अकेला परिचय नहीं है। वे रायपुर और भोपाल, अविभाजित मध्य प्रदेश के समय भोपाल, इन दो जगहों के राजभवन में बड़े लंबे समय तक पदस्थ रहे। उन्होंने राष्ट्रपति शासन के बहुत सारे दौर देखे हैं, जब पूरी का पूरी सरकार, पूरा प्रदेश राजभवन से चलता है। ऐसा बहुत सारा दौर उन्होंने देखा हुआ है। उनकी यादें इतनी समृद्ध हैं कि जब हम उनके साथ बैठते हैं, हमको बहुत से नए किस्से सुनने मिलते हैं। वो किस्से यानी कहानी नहीं है, इतिहास का हिस्सा है वो। आज हमने उनको आमंत्रित किया है खास मुद्दे पर चर्चा के लिए। छत्तीसगढ़ चुनाव की 20 सीटों पर वोट डल चुके हैं, 70 सीटों पर वोट डलना बाकी हैं। इन 20 सीटों पर वोट डलने के दो दिन पहले भाजपा और कांग्रेस, इन दोनों के घोषणा पत्र एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। दोनों ही पार्टियों ने किन चीज़ों को माना, किन चीज़ों का वायदा किया, किन चीज़ों की उम्मीद पूरी नहीं की, ऐसी बहुत सारी बातें आपके सामने हैं। हम उस पर छुटपुट चर्चा कर भी चुके हैं। आज हम डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से ये समझना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के चुनाव में बची हुई 70 सीटों पर आज मतदाता के सामने मुद्दे क्या हैं, ये दोनों पार्टियां किन मुद्दों को लेकर लोगों के सामने हैं, लोग इन 70 सीटों पर अपने वोट को तय करेंगे तो क्या सोचकर तय करेंगे। सुशील भाई, आपका बहुत स्वागत है आज। धन्यवाद, आप समय निकाल कर आए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं भी अच्छा लगा आपके बात करना। बिना किसी तैयारी, आपको कोई विषय भी मैंने नहीं बताया था, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन आपको किसी विषय की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग सीधे ये चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ चुनाव में आज कांग्रेस भाजपा ये दो तो मोटे तौर पर आमने सामने हैं, कई आधा दर्जन छोटी पार्टियाँ भी हैं यहाँ पर जो अलग अलग सीटों पर इलाकों में वोटों को प्रभावित करेगी। वोटरों के सामने आज मुद्दे क्या हैं जो इन दोनों पार्टियों ने रखे हैं या किसी और पार्टी ने रखे हैं, क्या मुद्दे हैं? सुनील जी, पहली बात तो आपको धन्यवाद कि आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया है। एक दो बातें पहले कर लें जी। कि एक बात है कि सारे बड़े राजनीतिक दल चुनाव के पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं जी, और कोई कोई इसको संकल्प पत्र कहते हैं, हाँ, कोई कोई गारंटी पत्र कहने लगे हैं। लेकिन हमारा आपका दोनों का अनुभव है कि जो मोटे मोटे मैनिफेस्टो होते हैं, हाँ, वो केवल आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकार ही पढ़ते हैं, हाँ, बाकी पत्रकार भी उसको नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते। राजनीतिक दलों में भी इसकी कोई फिक्र नहीं की जाती, हाँ, उसकी बात ही नहीं होती, हाँ। और इस लिहाज से अगर देखें कि छत्तीसगढ़ में इस बार एक नया प्रयोग हुआ है, हाँ, जो पहले कभी नहीं हुआ, हाँ। वो प्रयोग ये हुआ कि कांग्रेस ने ये इंतजार करते हुए कि जब मैनिफेस्टो जारी होगा भाजपा तब देखेंगे, हाँ। उनने अपनी तरफ से कुछ मुद्दे, हाँ, बाद में 17 मुद्दे हो गए जिनमें शायद कुछ सबसे बड़े मुद्दे थे वो पहले दे दिए। और सबसे बड़ा मुद्दा आया, पहला तो उन्होंने चुनाव की घोषणा पहले बोल दिया कि हम धान का ये भाव देंगे, हाँ, ये भाव देंगे, मैं जानबूझ के बोल रहा, भाव नहीं बोल रहा, ये भाव देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी घोषणा कर दी कि हम कर्ज माफी करेंगे। ये दो बड़े मुद्दे, बाकी तो 16-17 जितने सब जगह चल रहा है। मुझको थोड़ा हैरानी भी हुई थी, बिना किसी राष्ट्रीय नेता के मौजूदगी के भूपेश बघेल ने बहुत ही कैजुअल तरीके से अकेले ही ये घोषणा कर दी थी कर्ज माफी की, कोई राष्ट्रीय नेता मौजूद नहीं था उसमें। उसके पीछे कारण आपको पता है? कारण पता है कि एकदम से क्यों घोषणा कर दी लगा बड़े न खड़गे जी के इंतजार किया, न राहुल गांधी, किसी का नहीं किया, हाँ, और क्यों कर दिया? हाँ। उसका कारण ये था कि जो राजनीतिक परिस्थिति यहाँ पर ऊपर नीचे हो रही थी, हाँ, बूढ़ा तालाब में जो लहरें नहीं उठ रही थी, हाँ, बूढ़ा तालाब में, हाँ, जो नई लहरें उठ रही उसको, हाँ, ध्यान में रखते हो, चूंकि भूपेश बघेल बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं जागृत किस्म के राजनेता हैं, उन्होंने
बहुत तेज हैं, बहुत तेज हैं सुशील भाई, इसको पकड़ के लिए तत्काल उन्होंने, उतना तेज नेता छत्तीसगढ़ में मैंने नहीं देखा है दूसरा। आजकल तो ये माना जा रहा है कि पूरे कांग्रेस में सबसे बड़े। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, एक नजरिए से अगर हम देखें उसको, छत्तीसगढ़ चुनाव के संदर्भ में अगर देखें तो देश में कांग्रेस में कोई इतने फैसले लेने वाले नेता नहीं है, बाहर भी नहीं। अब उनने तो जाके सब असम से लगा कर कर्नाटक तक बिल्कुल लिया। बिल्कुल, इसलिए मुझसे एक दो लोगों ने सवाल पूछा। हाँ ये पूछा था। हाँ तो मैंने कहा भाई इस वक्त अगर वो ट्रायो को छोड़ दिया जाए, हाँ गांधी ट्रायो को छोड़ दिया जाए, हाँ, उस ट्रायो से बाहर, बिल्कुल मूर्ति से बाहर, बिल्कुल आज एक सर्वाधिक प्रभावशाली हाँ नेता के रूप में स्थापित है। उसका कारण ये है कि वो उनकी जो अपनी समझ है, हाँ उसका कारण ये शायद कि जमीन से उभर कर आए नेता, हाँ, एकदम हाँ, जमीन से संघर्ष करते, कोई राजनीतिक विरासत नहीं, कोई कुछ नहीं है, और उन्होंने संघर्ष लगातार संघर्ष करते हुए अपनी जगह बनाई। बहरहाल तो उन्होंने मुद्दा घोषित कर दिया। हाँ, और धान का मुद्दा था ही जी जी, बाकी तो कहते हैं कि गैस सिलेंडर की बात है, लेकिन जो दूसरा उन्होंने बड़ा मुद्दा उठा कर लिया वो था तेंदू पत्ते वाला। हाँ और तेंदू पत्ते के साथ साथ लघु वनोपज वाला, बिल्कुल, क्योंकि लघु अनुपज को बढ़ाने में भी बड़ा मुद्दा, क्योंकि लघु अनुपज का सीधा संबंध एकदम गरीब आदिवासी जिसके आय के और कोई साधन नहीं है, झाड़ू वहाँ पे बिन रहा है, वो वहाँ पे चिरौंजी बिन रहा है, वो लाख महुआ बिन रहे हैं, महुआ बिन उनके, तो वो सीधे लोग थे, उनकी बढ़ा दी कीमत, एक तो MSP करवा लिया जी। फिर तो ये जो मुद्दा आ गया, और फिर उन्होंने तेंदू पत्ते पे बोनस की बातचीत कर दी जो उनके पास, ये उन्होंने कर दिया। और इसके बाद भाजपा के सामने संकट था कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। सबको पता है कि भाजपा किसी भी हालत में, मेरी जितनी भाजपा नेताओं से बातचीत थी सबको चिंता थी कि धान का क्या होगा, क्योंकि केंद्र धान के लिए और कर्ज माफी भी किसी हालत में राजी नहीं था, पिछले चुनाव में भी नहीं था। रमन सिंह चुनाव इतनी बुरी तरह जो हारे थे, उस समय भी इनकी सेंट्रल लीडरशिप ने मंजूर नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भाजपा की दरकिनार की गई लीडरशिप को हाँ पुनः स्थापित किया, पूरी तरह से पुनः स्थापित सारे लोगों को, 12-13 लोग, उसी तरीके से कि धान के मामले जिसमें कतई राजी नहीं थे, उन्होंने उसके धान की कीमत के लिए बोल दिया कि हम 3100 देंगे। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि ये बात धीरे धीरे परपलेट हो रही, क्योंकि मुझसे एक नेता ने बड़ा बढ़िया वाक्य कहा था कि डॉक्टर त्रिवेदी कांग्रेस तो रोज एक बम फोड़ रही है, पर अभी मोदी जी या शाह साहब आएंगे वो बड़ा रॉकेट छोड़ देंगे। हाँ। बड़े रॉकेट मतलब उनको अंदाज यही लग रहा था कि धान की कीमत 3100 रुपये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। और बड़ी बात है कि धीरे से बाहर आ भी गई थी कि इकोनॉमिक टाइम्स ने एक दिन पहले हाँ छाप दिया था इसको, 3100 के देंगे या ऐसा बढ़ाएंगे, दे दिया 3100 देंगे ऐसा, ये इकोनॉमिक टाइम्स लिखा था। अच्छा, और ये मैंने कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो पत्रकार वगैरह से जब बातचीत हुई तो मैंने कहा भाई इकोनॉमिक टाइम्स लिख चुका है ये, और ये जो यहाँ पे भाजपा के नेता बोले कि रॉकेट गिरने वाला है, वो रॉकेट यही है और हुआ भी रॉकेट ये गिरा। बहरहाल उन्होंने भाई अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया, बहुत सारी बातें बोल दी। उसके बाद फिर कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और फिर उसने कीमत बढ़ा दी। तो बल्कि मैंने एक आध अपने लेख में लिखा कि धान की कीमत जिस तरीके से 2100 से बढ़ के 3200 होती रही, मुझे ऐसा लगा जैसे कि बाजार में कोई एक चीज है उसकी नीलामी बोली लग रही है, बोली लग रही है, किसान के वोट की उसके समर्थन की बोली लग रही है। तो इस तरीके से लिखना चाहता यही था लेकिन लिखा नहीं, मैंने लिखा कि किसान को ज्यादा समृद्ध बनाने की किया जा रहा पर वास्तव में वोट लेने के लिए, मेरी जुबान थोड़ा ज्यादा कड़ी है सुशील भाई, लेकिन मैं लिखते लिखते बच गया। लेकिन जो मेरी व्यक्तिगत चर्चा हुई पत्रकारों से संपादकों से उनसे मैंने यही कहा था कि बाजार में सुबह को जब सब्जी आती है उसकी नीलामी लगती है, उससे नीलामी लगती है, एक ही बड़ा। तो आज की तारीख में भी सबसे बड़ा मुद्दा यही है, धान की कीमत नंबर वन। कर्ज माफी, अभी देखिए कर्ज माफी मत जाइए, अभी कर्ज माफी कांग्रेस का अपना मुद्दा है और लोगों ने साफ लगा दिया। दूसरा एक जो बहुत बड़ा मुद्दा आ चुका है और जो ग्रामीण क्षेत्र में अद्भुत रूप से क्रियाशील है, हाँ, और अगर आज आपने सारे अखबारों में फ्रंट पेज में भाजपा का विज्ञापन देखा हो, हाँ, कि महिलाओं को हम 12,000 रुपए साल देंगे और हाँ, उसका आवेदन पत्र भी भर दिया, हाँ, साहब मुझे एक दूरस्थ बिलासपुर के दूरस्थ व्यक्ति बात करें, बोले साहब यहाँ पे गांव में बैठ के अपने कैलकुलेटर में, बोले हर एक के पास आपका मोबाइल है, हाँ, तो हिसाब लगा रहे कि हमने 3100 भाव से इतना धान बेचा, हाँ, तो इतना धान हमारा बिकेगा, हाँ,
और उसके बाद कर्ज माफी 3200 नहीं है, से बेचा तो हाँ इतना इतना मिलेगा और कर्ज माफी हमारी इतनी, लेकिन हमारे घर में 3 महिलाएं हैं, उन महिलाओं को इतना पैसा मिलेगा, हाँ तो वो हिसाब कर रहे हैं। बिल्कुल। ये पहली बार मैंने देखा मेरे जीवन में, मैं 57 से साथ पहली बार देख रहा हूँ कि वोटर, गांव का वोटर ये हिसाब लगा रहा है, हाँ ये हिसाब लगा रहा है कि किस चीज में मुझे पैसा ज्यादा हाँ, मिलेगा। अब आपका कौन बुनियादी मुद्दा कौन सा लड्डू ज्यादा तो बड़ा है अब आपका बुनियादी मुद्दा आ जाए। आपका। मैनिफेस्टो कहाँ गया? हाँ मैनिफेस्टो की बड़ी बातें हाँ कि हम हमारा सैद्धांतिकता ये, स्वतंत्रता ये है, बारे नैतिकता ये कहाँ है। लगाए हैं इसको। हाँ केवल वो बातें कि जिनसे जिनसे मतदाता का सीधा 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 डायरेक्ट बेनिफिट जो है, निजी फायदा मेरा किस में हो रहा है। केवल वही मुद्दे। और आज की तारीख में 3 मुद्दे ही हैं, 3 मुद्दे। नंबर 1 धान, नंबर 2 कर्ज माफी, और हाँ नंबर 3 ये जो महिलाओं को महिला महिलाओं को पैसा। डायरेक्ट। अब बड़ी बात है, इसमें कांग्रेस कहाँ आ रही है ये हमें नहीं मालूम। एक मुद्दे को आप नहीं जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ ये मुद्दा है कि नहीं, जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त कांग्रेस का है, जो पहले आधा दे रही थी बिजली बिल हाफ, अब उसने 200 यूनिट तक पूरा फ्री कर दिया। करीब 40 लाख बिजली उपभोक्ता हैं वो डोमेस्टिक स्टेट में। इन 40 में से मेरा ऐसा मानना है 35 लाख करीब करीब जो हैं, या 30 लाख, उनका टोटल कंजम्पशन ही 200 यूनिट के भीतर है, तो उनकी बिजली टोटल ही फ्री हो गई ऐसा मान ले हम। ये बड़ा मुद्दा आप तीन के अलावा नहीं गिनते इसको, भाजपा के एजेंडा में तो नहीं है पता ये। नहीं आपको सर्टिफिकेट मिली कि हाँ नहीं श्रीमान भूपेश बघेल दस्तखत से, दस्तखत से। हाँ कि हाँ आपने इतनी बिजली जलाई हाँ और ये हमने इतनी छूट दी। चिट्ठी ये उनका हाथ तो पहुंच गया है। हाँ अच्छा तो ये भी गणित उनके पास है, हाँ ये गणित उनके पास है। पर हाँ जितनी मेरी बातचीत हो रही है पूरे प्रदेश भर में हाँ अपने परिचितों से, जो राजनीतिक नहीं है, जो पत्रकार नहीं है, हाँ जो राजनीतिक नहीं पत्रकार नहीं, जिनसे मेरी हाँ बातचीत होती हाँ है, उन्होंने मुद्दा भी मुझे अभी नहीं बताया है कि ये मुद्दा वहाँ पर था। उसका कारण मैं बताऊँ आपको, इसका कारण शायद इनको लग रहा है कि भाई ये लाभ तो हमको मिल ही रहा था आधा मिल रहा था, अब सब आधे पूरा का पूरा हो पूरा, गया, इसलिए वो ज़्यादा विचार में नहीं आ रहा तो है। ये अपील बहुत नहीं कर नहीं रहा नहीं है नहीं ये, नहीं कर नहीं कर रहा अभी नहीं कर नहीं, रहा है। 3 ही मुद्दे अपील कर रहे हैं, 3 ही मुद्दे। तो धान का दाम तो न्यूट्रलाइज हो गया, दोनों पार्टियों ने करीब करीब एक जैसा दिया है दाम। मैंने कैलकुलेट किया सुशील भाई, कांग्रेस जो है 20 क्विंटल ले रही है 3200 के दाम से, 64,000 रुपया हुआ। हाँ जी हाँ बीजेपी ले रही है 21 क्विंटल 3100 के रुपये आपसे, तो ये 65,100 रुपया हुआ। 1100 रुपया बीजेपी ज़्यादा दे रही है किसान को, उसके और पहली एवज बार दे में रही, सुनिए एक एक क्विंटल ज़्यादा ले रही है। सुनिए, 1 क्विंटल ज़्यादा ले रही है, 1 क्विंटल ज़्यादा लेके 1100 रुपये दे रही है। तो जो आखिरी 21वां क्विंटल है उसका बीजेपी 1100 ही दे रही है कांग्रेस के मुकाबले, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि भाजपा के फार्मूले से अगर किसान, भाजपा कांग्रेस दोनों की दुकान खोल दें, तो मुझको नहीं लगता ज़्यादा ग्राहक भाजपा के पास जाएंगे, ज़्यादा कांग्रेस के पास एक जाएंगे। मुद्दा और है, एक हाँ मुद्दा और है जिसको मुझे पहले रेखांकित करना चाहिए। मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने धान का पैसा 4 किस्तों में दिया, हाँ और ये बार बार करके हम एक बार देंगे सीधे आपके हाथ में सीधे देंगे, आपके नगद देंगे, बल्कि नगद इन्होंने कैश नगद कैश काउंटर खोलने काउंट की नगद बात नहीं। भी मैं कही है। तो मैंने कहीं कहा था, कहीं और कहा था कि धान की कीमत से ज़्यादा, मोड ऑफ पेमेंट, हाँ मोड ऑफ पेमेंट, एंड मोड ऑफ पेमेंट, एक तो उसका टाइम तत्काल एक पे एक किस्त में देंगे और हम तत्काल देंगे, ये बड़ा मुद्दा है। लेकिन सुशील भाई जब भूपेश बघेल की सरकार बनी, पहले साल तो मोदी ने विरोध नहीं किया क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने थे, तो पहला धान खरीदी तो हो गई। दूसरे धान खरीदी के समय उन्होंने अड़ंगा लगाया कि अगर आप एमएसपी से ऊपर देंगे दाम तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। ढेरों खतों किताबत हुई दोनों सरकारों के बीच में, तो मोदी सरकार ने भूपेश बघेल को तो छूट नहीं दी कि आप एमएसपी से ऊपर पे खरीदो, समर्थन मूल्य से ऊपर पे खरीदो। अभी जो घोषणा करके गए हैं अमित शाह यहाँ पार्टी मैनिफेस्टो में, 3100 रुपये हम एक साथ देंगे। एक साथ देने का मतलब तो ये हो गया कि केंद्र के एमएसपी से ऊपर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए धान का समर्थन मूल्य 3100 तो कर नहीं रही है, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए है। तो क्या भूपेश बघेल को मोदी गवर्नमेंट जिस काम से रोक रही थी कि तुम एक साथ पेमेंट करोगे तो हम तुम्हारा चावल नहीं लेंगे, और इनको मजबूरी में 3 किस्त में देना पड़ा, कोई इनकी मर्जी नहीं थी, ये तो एक साथ देना चाहते थे, उन्होंने रोक दिया मोदी सरकार ने,
क्या आपको लगता है कि इसके लिए सरकार अपने नियम बदलेगी, जिन नियमों के तहत वो यहाँ कह रही थी कि आप नहीं दे सकते एक साथ, या पूरे देश में 3100 कर देगी? ये एक बड़ा मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर का है, जिसको लेकर किसान आंदोलन करते रहे। आप जानते हैं कि चुनाव के समय टिकैत भी यहाँ आते रहे, वो भी घूमते रहे, और आम आदमी पार्टी भी किसान के मुद्दे को उठा रही थी। मुझे ऐसा लगता है, सुनिए, कि अभी चूंकि चुनाव होना है, और दूसरा बड़ा मुद्दा ये आ गया है कि प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के बीच में घोषणा कर दी कि हम 5 साल तक फ्री अनाज बांटते रहेंगे। हाँ, कि चुनाव के बीच में की, और पॉलिसी डिसीजन उन्होंने चुनाव सभा में किया, चुनाव के इसलिए उसको करना। तो ये बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि अभी उनको ये बात भी समझ आई कि भाजपा की, कि हमको हर हाल में ये राज्य जीतने हैं और इसके बाद लोकसभा जीतना है। तो अभी तो मान के चलिए कि ये चलता रहेगा, और यह भी संभव है, यह भी संभव कि अन्य राज्यों को में भी उनको बात करना पड़े। हाँ। क्योंकि जब भूपेश बघेल कहते हैं कि यहाँ तुम 3100 कैसे दोगे, जब बनारस में आप 1400 दे रहे हो, बिल्कुल बनारस का नाम ले रहे हैं, बिल्कुल बनारस का नाम ले रहे हैं, जहाँ जहाँ के वोटों से वो प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ। एक के इसलिए से। तो इसलिए मतलब तो ये बड़ी बात है, इसमें मतलब जब उन्होंने किया है, घोषणा की है, और इसको लेकर सारे के सारे भाजपा नेता चिंतित थे, ये अवश्य मुझे लगता है कि इनको उस स्तर पर कहीं ना कहीं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीशन नहीं है, ये केवल जिसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन है। हाँ हाँ, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कल तक आप भूपेश बघेल को जिस काम से रोक रहे थे, छत्तीसगढ़ में अगर आपकी सरकार बन जाती है तो क्या आप उसी काम को करोगे, और आपका नैतिक आधार क्या रहेगा उसका? कहाँ सुनील जी, आप नैतिकता की बात कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, अरे कहाँ, चलिए मैनिफेस्टो में जब बातचीत नहीं हो रही, क्यों बात है कि जब वोटर हिसाब लगा, सुनिए सुनिए एक सुनिए, जब वोटर हिसाब लगा किससे कितना पैसा मिलेगा, तो भाई साहब सुनिए, जैसा दूध है वैसी मलाई होगी। हाँ, ये बात तो है कि जैसा वोटर होगा, नेता जो है वोटर से ज्यादा नैतिक तो हो नहीं सकते, ना वोटर नेता से ज्यादा नैतिक हो सकते, जैसा दूध वैसी मलाई। एक दिलचस्प बात और है जो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, कि भाजपा ने अपने इस घोषणा पत्र में बहुत सारी घोषणाओं के बीच में एक घोषणा को दबा के रखा है, उसको बाहर के 20 स्लाइड में नहीं रखा, जो अमित शाह ने पढ़े 20 घोषणा जो पढ़ी, उसको लंबे चौड़े घोषणा पत्र के बीच में एक जगह छुपा दिया, जैसे भूसे के ढेर में एक सुई को छुपा दिया हो ऐसे। वो है रमन सिंह के सरकार के जो 2 साल का बकाया धान बोनस, वो भी देंगे उसको 25 तारीख, उन्होंने तारीख भी तय कर दी है कि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन रहेगा, रहता ईसा मसीह का भी है, लेकिन बीजेपी के लिए अटल जी का जन्मदिन है उस दिन, तो वो उस उन्होंने तारीख घोषित कर दी, हम इस तारीख को पिछले रमन सिंह के कार्यकाल का 2 बकाया साल का धान बोनस देंगे, ये उन्होंने कह दिया। इसको डंके की चोट पे नहीं कहा है, इसको भीतर कहीं घुसाया है छोटे अक्षरों में, जैसे शेयर मार्केट वाले छोटे छोटे अक्षरों में नियम और शर्त लिखते हैं, ऐसा दबाया है। क्या लगता है आपको, इन्होंने क्यों ऐसा किया होगा? फिर सीधी सी बात है, जिस बात को हम बार बार, हम लोगों की चर्चा का एक ही मुद्दा है कि आर्थिक स्थिति, और मैं तो इसको कहना चाहिए वाणिज्यिक परिस्थितियां, दिस इज कॉमर्स, दिस इज नॉट इकोनॉमिक्स, इट्स ए बैड इकोनॉमिक्स। आज मैंने कहा, जब कहीं लिखा है कि जो पार्टी ये कहती थी, जो पार्टी कहती थी फ्रीबीज रेवड़ी कुछ नहीं, कि मैनिफेस्टो नहीं, नहीं मैं उससे बढ़ के कि मैनिफेस्टो में अगर आप कोई चीज प्रॉमिस कर रहे हैं तो ये बताइए कि आप में राजस्व पैसा लाएंगे कहाँ, कैसे खर्चा करेंगे। और इसके लिए अप्रोच किया गया था चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग ने ये कहा कि हमारा ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि हम किसी राजनीतिक दल को किसी प्रकार की घोषणा करने से रोकें। सुशील भाई भाजपा के एक पदाधिकारी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, अश्विनी कुछ नाम है उनका, भूल रहा हूं मैं, वो तो रेवड़ी और फ्रीबीज जो कहते हैं भाजपा के लोग जिनको, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं कि ऐसी घोषणाओं के ऊपर में रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, चुनाव आयोग और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसने पार्टी बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इसमें अदालत को क्यों बीच में लाते हो, आप सर्वदलीय बैठक बुलाओ, आप लोग तय करो राजनीतिक दलों को इसका क्या करना चाहिए, इसका क्या इलाज है। तो खैर, छत्तीसगढ़ को अगर हम देखें तो भाजपा ने ये वायदा किया है कि जो बकाया 2 साल का बोनस है रमन सिंह सरकार का, उसको 25 दिसंबर को देंगे। मुझको अंदाज नहीं है कि ये कितना होता है, ये जो भी हो जितना भी होता है। तो ये एक उनकी एक्स्ट्रा घोषणा है। दूसरा,
छत्तीसगढ़ महतारी जिसकी फोटो जो है हाँ। उसको भूपेश बघेल की सरकार हर लेटर हेड में लगाती है, हर इश्तहार में लगाती है, सब जगह लगाती है। वो महतारी जो है वो खाली हाथ रह गई चुनावी घोषणा पत्र में, सीधे सीधे उसके खाते में कुछ नहीं जा रहा। और बीजेपी जो है हर शादीशुदा महिला के खाते में 12,000 रुपया साल का डालेगी, वो महिला जो है उसके खाते में वो पैसा आएगा बिना किसी भेदभाव के, महिलाओं के लिए शायद ये एक बड़ी घोषणा है। मैं भाजपा के घोषणा पत्र को देखता हूँ तो उसमें 2-3 चीज़ें मिसिंग है जो कांग्रेस दे रही है। जो बिजली दे रही थी पिछले साल तक 200 यूनिट आधे दाम पे, अब 200 यूनिट पूरी तरह से फ्री, ये एक घोषणा है जिसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं। दूसरा कांग्रेस की एक और घोषणा है सुशील भाई, KG to PG 100% फ्री एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज जो महंगी हैं, सरकारी क्षेत्र में भी फीस खासी लगती है, स्कूल कॉलेज KG to PG। राहुल गांधी से उन्होंने नारा लगवाया यहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग में, आपको क्या लगता है ये एक सब्सटेंशियल अमाउंट होता है क्या फीस का परिवारों में? नहीं, नहीं, मान के चलिए, सुनिए हाँ। हमारे आपके घर में हम देखते हैं हाँ। कि हमारे घर में काम करने वाले जो सहायक लोग हाँ। है ना, वो भी अपने बच्चों को हाँ। अभी तक सरकारी स्कूल भेजने के बजाय किसी प्राइवेट स्कूल में पसंद करते थे और वो ज़्यादा पैसा अपने तन करते थे, है ना। और अभी एक जो बड़ा परिवर्तन आया कि जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खुले हाँ। तो काफ़ी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल से निकल कर वहाँ पहुँच गए, बच्चों को लगता है। लेकिन मैं जरा सा आंकड़ा देना चाहूँगा आपको, स्वामी आत्मानंद स्कूल जितने खुले हैं मेरा ये मानना है कि उसमें 5% से कम बच्चे हैं सरकारी स्कूलों के, 5% से कम बच्चे, 95% बच्चे सरकारी स्कूलों के जो हैं वो अभी भी परमात्मानंद स्कूल में हैं जो भगवान भरोसे हैं, कहीं खिड़की नहीं है, कहीं छत नहीं है, कहीं फर्श नहीं है, कहीं टीचर नहीं है। मैं ऐसे कई हड़ताल आंदोलन देखता हूं कि एक टीचर जो है 5 क्लास पढ़ा रहे हैं, 6 क्लास पढ़ा रहे हैं, 8 क्लास पढ़ा रहे हैं, गुरुजी कहीं दारू पिए हुए पढ़े हैं, ऐसे कई स्कूल हैं। आत्मानंद स्कूलों के ऊपर अनुपातहीन तरीके से अधिक खर्च हुआ है, जो गरीबों के स्कूल हैं उनकी बदहाली है। मेरे ऊपर अगर आरोप ना लगे तो मैं कहूँ कि शिक्षा न सरकार के लिए उतनी महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टि से, न वोटर के लिए। वोटर के लिए भी नहीं है, वोटर के लिए आप देखिए ना, हम पहले क्या बात करते रहे कि धान कितना मिले, कितना पैसा मिलेगा, हमने उसे गंत में ये नहीं लगाया कि किसके बच्चे को स्कूल के भेजने में जो 5,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक, 5,000 रुपए 50,000 रुपए तक का खर्चा आता है महीने का, है ना, उसका हमने हिसाब में नहीं लिया, क्योंकि हमारी जो जानकारी वहाँ पे हिसाब के लिए 3-4 चीज़ों किया जा रहा है, नहीं जा रहा है। लेकिन सुशील भाई, जिनके घर से फीस जाती होगी आज, वो लोग तो हिसाब लगाएंगे। देखिए मेरे को, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि फिजियोथेरेपी कॉलेज है, डेंटल कॉलेज है, ITI है, 5,000 10,000 यानी सरकार ने जो घोषणा की है, न एडमिशन फीस लगेगी, न ट्यूशन फीस लगेगी, कोई फीस नहीं। बड़ी बात, बड़ी बात। और उसका जब आया था तब हमने भी ये मानते थे कि एक बड़ी घोषणा है कि, और एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात कि सरकार अगर इतने बड़े सामाजिक सोच करती है कि, लेकिन अभी आप क्या बोल रहे थे वो आपने, कि स्कूल में खिड़की नहीं है हाँ, दरवाजा नहीं हाँ, है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, वहाँ पढ़ाने वाला एक टीचर है, अधिक संख्या ऐसे खस्ता हाल बेहाल स्कूलों की है, कहते हैं इसीलिए अब पॉइंट करें, इसीलिए जो थोड़ा भी बेहतर है, थोड़ा भी बेहतर है वो प्राइवेट स्कूल में जाना चाहते हैं यहाँ पे। लेकिन सुशील भाई, 30 लाख बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, वही हाल है। देखिए मेरी अपनी व्यक्तिता है कि अस्पताल जो सरकारी अस्पताल में सबसे अच्छे डॉक्टर होते हैं और उनका जो अनुभव होता है, लेकिन उसके बावजूद जिसके पास भी थोड़ा सा भी पैसा है, थोड़ा भी समर्थ है, वो प्राइवेट अस्पताल जाता है क्योंकि लगता है यहाँ पे भीड़ बहुत है, देखभाल नहीं होती। तो ये इसी कारण शिक्षा और स्वास्थ्य जो किसी भी सरकार का सबसे बड़ा बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी परिवार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, वो नहीं है। ये हमारे जीवन की, ये जीवन की सच्चाई है, ये जीवन की सच्चाई है। इसीलिए हम जब प्रायोरिटी ले रहे हैं तो प्रायोरिटी में वो नीचे आ रहे हैं। अब अपन भाजपा और कांग्रेस के संदर्भ में देखें, यही दोनों पार्टियां सामने हैं, इन्हीं दोनों के मैनिफेस्टो हैं, वोटर इन्हीं दोनों को तौलेंगे कि बड़ा लड्डू किससे मिल रहा है, किसी को नहीं तौल रहे है ना। तो क्या लग रहा है आपको, अब ये जितने हमने, आपने दोनों ने मिलके दोनों पार्टी के खास मुद्दे गिना दिए हैं, मेरे ख्याल से खास मुद्दे आ गए हैं, इसमें क्या लगता है? देखिए बड़ी, बहुत बड़ी बात मैं बताऊँ, शायद मैंने बताया होगा, रामचंद्र सिंह जी देव जो थे आप जानते हैं,
मेरे ख्याल से मैंने अपने जीवन में इतना सच व्यक्तित्व वाला बिल्कुल नहीं देखा। बिल्कुल कई स्तरों पे मेरी उनसे बातचीत होती रहती, वो घर भी आते, इतने सज्जन थे, बहुत जीने सज्जन। और एक बार भाई बोले बोले मुझसे, जोगी जी बोले चुनाव लड़ो, और मैं बोला मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं बोकरा भात नहीं खिला सकता। लोग मुझसे चपटी मांगते हैं, बगैर चपटी वोट देंगे नहीं। और दूसरे कि मुझसे लोग कहते हैं कि गलत काम करो, और मैं नहीं करता, मुझसे अब संभव नहीं इस उम्र में। तो दी पॉइंट आई एम मेकिंग कि इस वक्त जो वोटर भी हमारा है, ये किसी प्रकार का आक्षेप या किसी प्रकार का ये नहीं मानना चाहिए कि हम किसी की अवमानना करें। और यह भी बात कि हमारे वोटर अभी भी इन लुभावने वादों से आकर्षित हो रहे हैं और बुनियादी मुद्दों की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। और इस लिहाज से अगर देखें, इस तरह देखें कि ज़्यादा लोक लुभावन, ज़्यादा आर्थिक रूप से आकर्षक, जो गारंटियाँ हैं मैनिफेस्टो नहीं, जो गारंटियां हैं वो भाजपा की आ रही हैं, और गांव के लोग उस पर अनुमान लगा रहे हैं। आपका अंदाज है कि भाजपा की गारंटी जो है वो ज़्यादा आकर्षक है कांग्रेस के मुकाबले? जो मेरी जानकारी हो तो यही हो रहा है अभी ऐसा जी। चलिए, यानी मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई अंदाज है नहीं। मुझको तो दोनों के जो दो दो चार चार मुद्दे आए सामने वो मैंने गिना दिए। मुझको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के वायदे जो हैं 16-17 पहले के और कुछ घोषणा पत्र के। आपने दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही हैं, उसको अभी यहाँ पे बोलना चाहिए कि कांग्रेस का ये कहना है कि भाजपा वायदा करके पूरा नहीं करती। और अभी आपने के लास्ट टाइम 2 साल तो दिया, बाद में नहीं। हालांकि कांग्रेस भी पूरा नहीं करती। कांग्रेस का बहुत बड़ा एक वायदा था जिसके चक्कर में प्रदेश की आधी आबादी महिलाओं ने उसको वोट दिए थे, शराबबंदी का। शराबबंदी, मुझको लगता है कि शराब का रिवेन्यू बढ़ गया है प्रदेश में, शराब की खपत बढ़ गई है। जो कानूनी खपत है वो तो बढ़ ही गई, ईडी वगैरह का कहना है कि गैर कानूनी खपत भी खासी बढ़ गई है यहाँ पे। तो मैं नहीं जानता कि जो घोषणा थी कांग्रेस की वो आखिर जाके कहाँ गिरी है। कांग्रेस का तो यही है कि भरोसे की सरकार कांग्रेस सरकार है, उनकी गारंटी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें यह भी देखना होगा अब कि जो मतदाता है वो आर्थिक लाभ की ओर तो ध्यान दे रहा है, लेकिन क्या उसको यह भी कांग्रेस सरकार के इस या कांग्रेस पार्टी के इस नारे पे भरोसा है कि हाँ हम अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन भाजपा अपनी गारंटी पूरा नहीं करेगी। और मुझको एक चीज़ लगती है सुशील भाई, दारू के बारे में मैं कई बार बोलता हूँ कि कांग्रेस ने दारू का अपना वायदा पूरा नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ कि कांग्रेस ने कुल एक वायदा था जिसको हाथ में गंगा जल लेकर लिया था, वो था कर्ज माफी का। वो कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने पहले घंटे में किया, पहला दस्तखत उसी पे था, उसको ईमानदारी से किया, उसको लेके ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कोई ये कहे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्ज माफ नहीं किया, केवल कोऑपरेटिव बैंकों का किया कर्ज, जो पैमाना था उनका उस पैमाने पे सबको किया। शायद 9,000-10,000 करोड़ रुपया कर्ज माफी हुआ, जो छोटा नहीं होता है। लोगों को लगा था प्रदेश जो है डिफाल्टर हो जाएगा उस चक्कर में, लेकिन अभी भी कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो छोटे किसान के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। बड़ा मुद्दा है हमारे सरीखे शहरों में रहने वाले लोग जो कारों में चलते हैं उनके लिए शायद बड़ा मुद्दा नहीं होगा, छोटे किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए कर्ज माफी बड़ा मुद्दा है। जिनकी संख्या हमारे 72% के आबादी में जो लोग है उन्हीं की संख्या, जिसको हम कहते हैं कि स्मॉल और मार्जिनल फेयर, उनकी संख्या ज्यादा है। मुझे यह भी मालूम है कि इवन बस्तर में भी मुद्दा काम करता रहा है इस बार। लेकिन मैंने फोन करके पूछा, 6 अलग अलग पत्रकारों से हमने सर्वे किया, मैं, आलोक पुतुल और एक दो लोग बैठकर हम अलग अलग लोगों को फोन लगा रहे थे। उनका कहना था कि अभी कर्ज माफी और धान का उतना असर यहाँ पर नहीं है, हो सकता है दूसरे मुद्दे वहाँ पर हावी हों। उसका कारण यह है कि देखिए, ये बड़ा स्पष्ट है कि ये जो मैदानी इलाका है यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। वहाँ थोड़ा मुद्दा छोटा मुद्दा था, यहाँ मुद्दा सबसे बड़ा है। मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ, ब्राजील के चुनाव को लेकर डाउन टू अर्थ मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर रिचर्ड महापात्र दोस्त हैं मेरे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसके आखिरी में उन्होंने एक फैक्ट लिखा है कि ब्राजील में लगातार 2 चुनाव जीतने वाले जो थे लूला, उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोगों को राहत दी, जन कल्याणकारी काम किए, उन्होंने जीरो हंगर की एक पॉलिसी अडॉप्ट की। तो उसका अंतर्राष्ट्रीय स्टडी हुई,
तो जो पहला चुनाव उन्होंने जीता, जिसमें उन्होंने पूरी आबादी के हर व्यक्ति को करीब $100 साल की राहत दी, जिसको मोदी जी रेवड़ी बोल सकते हैं, कोई फ्रीबीज बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल सकते हैं, उन्होंने दी। पहले चुनाव में $100 प्रति व्यक्ति प्रति साल की जो राहत थी, उनको 16.5 वोट मिले उसके एवज में, ये स्टडी है। अगले चुनाव में उन्हीं राहतों की असर जब देखा गया, तो उनको करीब 6.5 वोट का फायदा हुआ उससे। उसका एक कंक्लूजन ये निकाला है दुनिया के लोगों ने, जानकार लोगों ने, कि जिन घोषणाओं का, जिन राहतों का, तोहफों का, जिन चीज़ों का असर पहले बार होता है ज़्यादा, दूसरे बार उतना असर उसका नहीं रह जाता है। जैसे रमन सिंह की सरकार, पीडीएस का फायदा चावल का, अब देखिए 45% आबादी को 35 रुपए में 35 किलो चावल मिलते रहा। 15वें साल में जाके लोगों ने रमन सिंह को ऐसा पटका, शायद लोग ये मान के चल रहे हैं ये हमारा हक है और ये तुम्हारा जिम्मा है। बिल्कुल सही यही है। तो क्या धान का दाम और कर्ज माफी 5 साल पहले भी भूपेश बघेल ने दिया था, क्या आपको लगता है इन दो घोषणाओं का 2018 के मुकाबले 2023 में असर कुछ कम होगा? निश्चित रूप से कम होगा। ऐसा रूप से देखिए, उस कारण मैं आर्थिक बता रहा हूँ ना, कि किसान तो पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ऐसा हाँ कैलकुलेट करके कर्ज लेके बैठे हुए हैं कि माफ तो करोगे ही। हाँ, बस वो करे, वही करे। तो अब उनकी जिम्मेदारी है कांग्रेस को जिताना, वरना भाजपा तो माफ करने वाली नहीं है, उसने तो कमिट नहीं किया। इसलिए जो मैंने कहा कि कर्ज माफी भी एक मुद्दा है, और खास करके जो छोटे किसान हैं जिनके पास तक हमारा संपर्क कम है, पर मेरी जो बातचीत हुई है वो यही कि हाँ, जो छोटे छोटे किसान हैं उनके ऊपर ये है, और वो इससे प्रभावित हुए हैं। ऐसा हाँ, और इसीलिए अगर हम बैलेंस देखें आर्थिक आंकड़ों को लेते हुए, तो देखें कि दोनों पार्टियाँ इस तरीके से बैलेंस हो जाती हैं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से ये महत्वपूर्ण बातचीत हमने रिकॉर्ड की थी, बातचीत खासी लंबी है, लेकिन हमको एडिटिंग के समय उसको दो हिस्सों में बांटना पड़ रहा है। तो मैं अभी इस नए क्लोजिंग रिमार्क को, इस बात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिर से आपके सामने, कि अभी जितनी बातें आपने सुनी डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से, ये दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र पर केंद्रित थी। थोड़ी बहुत और बातें रही होंगी, इसके बाद इसकी अगली किस्त में हम एक दिन बाद या दो दिन बाद आपके सामने पेश करेंगे, पार्टियों के घोषणा पत्रों से परे और कौन से मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कौन सी पार्टियां हैं मैदान में, उन पार्टियों की क्या भूमिका है। ऐसे बहुत से दिलचस्प मुद्दे हैं जो हम अगले किस्त में रखने जा रहे हैं। आपने ये इंस्टॉलमेंट अगर देखा है तो अगली किस्त देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम एक या दो दिन के भीतर ही डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से इस लंबी बातचीत की दूसरी किस्त आपके सामने पोस्ट करेंगे, जिसमें बहुत से नए पहलुओं पर चर्चा होगी। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और हाँ, वोट डालने जरूर जाइएगा। हम बाकी दुनिया के तमाम मुद्दों को छोड़कर अभी चुनाव पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए कि हम चाहते हैं कि वोटर की जागरूकता अधिक से अधिक रहे, वोटर निकलें, अधिक से अधिक संख्या में जाकर वोट डालें। आपके वोट अगर कुछ फीसदी बढ़ जाएंगे तो नेताओं और पार्टियों के होश उड़ जाएंगे। फिर मिलते हैं।